गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जब के समय या तो नींद आ जाती है या फिर कुछ विचार चलते रहते हैं, तो क्या कैसे कर पाए इसको आते हैं? क्योंकि हम लोग साधन भक्त हैं, हम लोग साधना के द्वारा साधना कर रहे हैं ना, तो आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत अनर्थ निवृत्ति। वो अनर्थ है जो कि नींद आने लगता है। साधु संग हो गया, भजन क्रिया हो रहा है और भजन कर रहे हो, हरे कृष्ण जप कर रहे हो, तो नींद आ रही है, तो क्लीनिंग हो रहा है, अनर्थ निवृत्ति हो रही है। वैसे देख करते रहो आदत पड़ जाएगी, फिर नहीं आएगी नींद, अनर्थ निवृत्ति। जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। तो आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो, नींद आने दो, कोई बात नहीं। कभी कभी डॉक्टर दवाते हैं, कहते हैं पहले तो आपको तकलीफ होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, तो काम कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो नाम में रुचि बोलेगी, नाम में रुचि, ये रुचि एक दिन आते, दो दिन आते, 15 दिन आते, 1 महीने तक आते, फिर किधर किधर भाग जाते, फिर इसको कैसे पकड़ के रखना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, एक होता है इमोशन और एक होता है डिवोशन। इमोशन टेम्पोररी होता है लेकिन डिवोशन परमानेंट होता है। तो इमोशनल स्टेज पर आएगा जाएगा आएगा, जब डिवोशनल हो जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। नाम प्रभु, कृष्ण को पकड़ नहीं सकते हो, यदि पकड़ा जाएंगे तो तुम भगाओ तो भी नहीं जाएंगे। यही तो उनका एक अवगुण है, अगुण है, जो भी समझ लो। तो उसके लिए क्या है, आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि। रुचि तो आसक्ति, तो ये सब स्टेज पार करना। साधु संग पहला चीज है, आदौ श्रद्धा तथो साधु संग, साधु संग करो, करते रहो, तब तक साधु संग करते रहो, तब तक करते रहो जैसे रुचि उत्पन्न हो जाए, सब अनर्थ क्लियर ना हो जाए। साधु संघ ही एकमात्र तरीका है। प्रभुपाद जी क्रिएट किए स्कान को साधु संघ के लिए और किसी काम के लिए नहीं। बिलीव मी, जो कीर्तन में मजा आता है, संध्या आरती हुआ, गुरु पूजा हुआ, मंगल आरती हुआ, जो नाचने गाने मजा आता है, वो यहां मैं देखता हूं, मुझे दुख लगता है कि नए नए जवान लड़के लोग कीर्तन छोड़ करके वो बाहर जाकर प्रज्वल पकड़ते हैं। उसमें मजा वो नहीं आएगा जो नाचने गाने में। आधा किलो पसीना निकले वो अच्छा है, अबे 60-70 साल हो जाए, बूढ़े हो जाए, नाच जाने दूसरा बात है, जवान हो नाच लो, जितना नाचो गाओ, जंप एज हाई एज यू कैन। ये कोई नियम नहीं है कि 7:45 हो गया, चलने का समय हो गया, संग भया चल दिया। मैं देख रहा था कल हरिदास प्रभु इतना अच्छा कीर्तन कर रहा था, वो संघ भैया बहुत भाग रहे थे, कहाँ जा रहे भाई, जागरमा पर जल्प कर रहे हैं, क्या फायदा, क्या उसे मजा मिल रहा है प्रजल्पा में, नथिंग। भक्ति को नष्ट कर रहे हो, कीर्तन में तो भक्ति बढ़ा रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैं इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। इतना अच्छा लगता है नाचना गाना प्रभु जी, कहीं मैं सोचता हूं कि आपका जवान मुझे आया तो मैं और नाचूं, मैं नाचना चाहता हूं सही में। और दूसरा प्रश्न है कि सेवा में रुचि, सेवा में रुचि नहीं आते, यदि हमारा रुचि आती इधर बैठे कीर्तन करने के लिए फिर मन भाग जाते, ऐसा बार बार भी होता है। वही बात पुनः, आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है, नेचुरल होना चाहिए। घोड़े को पानी के नजदीक ले जा सकते हो, जो फोर्स नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। सेवा हमारा स्वभाव है, जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सेवा स्वभाव है, और स्वभाव परिवर्तित होगा संस्कार से। मैं एक बार क्लास दिया था, आकृति संस्कृति एंड विकृति। संस्कृति तब रहेगा तब आकृति में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा जब संस्कृति रहेगी, और पुनः संस्कृति आता साधु संघ से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।